गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 6 की मैथ्स की क्लास है और कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था। आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। तो बेसिकली इसमें करना क्या क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कल हमने पढ़ा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम भी मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल बताया था कि किस में 3 ब्लॉक्स होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, और इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड बस एक होता है, उसके बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर लैक, टेन लैक, और इसमें क्या होता है थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि विच इज़ ग्रेटेस्ट डिजिट एंड विच इज़ लोवेस्ट डिजिट। अगर 502 और 520 है तो इसमें पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट कौन सी है और लोवेस्ट कौन सी। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर इसको लिखेंगे कि वंस, टेंस और हंड्रेड, इस तरह से। तो फर्स्ट पे देख रहे हैं आप इक्वल है, सेकंड पे देख रहे हैं टेंस पे ये ज़ीरो है और ये टू है, तो ज़ीरो छोटा है और टू क्या है इस प्लेस पर बड़ा है। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है और लोवेस्ट वैल्यू कौन सी, ठीक है। तो इसमें 220 जो है वो ग्रेटेस्ट हो गया और 520 ग्रेटेस्ट हो गया और 502 क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वन ऑफ द टू गिवन नंबर विच इज़ ग्रेटर, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो आप उनको पहले उनकी प्लेस वैल्यू मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि कौन, जितने प्लेस वैल्यू इक्वल्स होते जाते हैं उनको हटाते जाएंगे, जहाँ पर डिफर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ठीक है। सेकेंड है सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपका ईजी है। थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग दिस एंड दिस। जब आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जान जाएंगे तो आप क्या करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो आप एक चीज़ याद रखिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट और असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी असेंड मीन्स होता है चढ़ना, डिसेंड मीन्स होता है उतरना, अगर इसकी मीनिंग आप समझे तो असेंड मीन्स चढ़ना, चढ़ने का मतलब वन, जैसे आप स्टेयर्स होते ना तो सबसे पहली उसके बाद सबसे लास्ट, यानी सबसे छोटी और उसके बाद सबसे बड़ी, और डिसेंड मतलब पहले सबसे ग्रेटेस्ट आएगी और उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। अब फोर्थ है यूजिंग द डिजिट 7, 4, 8 and 2 फॉर्म द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो आपको मान लीजिए कोई भी डिजिट दी है, अब यही डिजिट दी है, अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट बनाने में आपको क्या ध्यान देना है। हमने अभी क्या कहा, ग्रेटेस्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अगर डिसेंडिंग आएंगे तो क्या होगा, मतलब पहले सबसे बड़ी और उसके बाद सबसे छोटी। तो इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन है, 8, सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटी कौन सी है, 7, उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटी कोई भी 2 है यहाँ लिख दीजिए। यही अगर आपको जो है स्मॉलेस्ट बोलता है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर छोटे से बड़ा लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ बस यहाँ पर ध्यान देनी होती है कि अगर आपको दिया है 7, 2, 1 मान लीजिए दिया है और आपसे कहता है कि 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। अब डिजिट तो 3 है और आपको बोल कितना रहा है 4 डिजिट का बनाने का, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 7 है, 2 है, ठीक है। जब 4 डिजिट का होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बनता है, किसका, 0 का। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी कि अगर ग्रेटेस्ट बोलता है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट बोलता है, तो ग्रेटेस्ट बोलता है अगर आप 0, 1 लिखेंगे और 1, 0 लिखेंगे, है ना, तो ग्रेटेस्ट कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, और स्मॉलेस्ट कौन सी बनेगी, जब 0, 1 से पहले लगेगा। तो जब भी आपको इस तरह से एक्स्ट्रा डिजिट बनाने के लिए कहे तो ज़ीरो का याद रखना है आपको कि ज़ीरो को कैसे करना है। अगर 0 बीच में आता है तो आप कह सकते हो 0 तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डिजिट है, बट 0 को इस तरह लिखेंगे। और जब कहता है दिया 2 डिजिट है, यानी कि 7, 2, 1 दिया है और कहता है कि 4 डिजिट की बनाइए, तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना उसको आपको क्या करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है, जब स्मॉलेस्ट बोले और जब ग्रेटेस्ट बोले तो उसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू को, यानी अगर इसकी ग्रेटेस्ट बनानी है तो हम किसको 2 बार लिखेंगे, सबसे बड़ी डिजिट को। अगर इसकी स्मॉलेस्ट बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखनी है कि अगर डिजिट 3 दी हुई है और आपको 6 बोल रहा है, 5 बोल रहा है, 7 बोल रहा है, जितनी भी डिजिट की आपको बनाने को बोल रहा है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो ग्रेटेस्ट बोलता है तो उस जो भी डिजिट दी उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको आपको
उतनी बार जितना डिजिट उसमें कम है उतनी बार उसको रिपीट करना है, और अगर स्मॉलेस्ट बोलता है तो आपको उतनी बार उस स्मॉलेस्ट डिजिट को लिखना है, ठीक है। सिक्स भी वही है, सेवन भी वही है, और एट भी वही है कि सिक्स डिजिट के नंबर आपको फॉर्म करने हैं। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और इसमें भी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको बता दी कि किस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप डन करेंगे।